अस्सलाम वालेकुम सुपर डेली न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करने वालों को, वीडियोस को लाइक करने वालों को और शेयर करने वालों को। दोस्तों, मैं तहे दिल से अपने चैनल पे वेलकम कहती हूँ। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप इंशाल्लाह ताला हमेशा की तरह खैरियत से होंगे। अच्छा से दोस्तों, आज आपकी होस्ट बहुत ही प्यारा रिश्ता आपकी खिदमत में लेकर आई है, जो हमेशा की तरह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, जिसकी डिटेल्स मैं आपको दूंगी। लेकिन इससे पहले आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ आप जल्दी से पहले सब्सक्राइब का बटन क्लिक करें, और मेरी वीडियो के नीचे दोस्तों बेल आइकॉन का बटन भी है, उस पर आप लाजमी क्लिक किया करें, ताकि रोज़ाना की अपडेट्स जो होती हैं, वीडियोस जो होती हैं, आप उनसे आगाह हो सकें। अच्छा तो दोस्तों, अब मैं आपको आज के रिश्ते की डिटेल्स देती हूँ। लड़की का नाम दोस्तों राबिया अनम है, रिहाइश इसकी पिंडी भटियाँ है, बेवा है, इसका एक बच्चा है जिसकी एज 4 ईयर्स ओल्ड है। बहुत प्यारी सी बेवा है दोस्तों, तकरीबन 6 साल हुए हैं, इसके शोहर की डेथ हो चुकी है। अब ये लड़की जो है दोबारा शादी करना चाहती है। एज इसकी दोस्तों तकरीबन 32 साल है, और दोस्तों इसका एक बच्चा भी है। जैसा कि पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, शादी के बाद जो है ये लड़की जो है अपने बच्चे को साथ रखना चाहती है। अब ये लड़की जो है अपने माँ बाप के घर ही होती है, इसके माँ बाप यही चाहते हैं कि हमारी बेटी का दोबारा घर बस जाए, कोई अच्छा जीवन साथी मिल जाए। तो दोस्तों, अगर आप में से कोई इस लड़की राबे अनम से शादी का ख्वाहिशमंद है, अगर आप पहली शादी करना चाहते हैं, दूसरी शादी करना चाहते हैं, तो भी रब्ता कर सकते हैं। बहुत प्यारी सी है दोस्तों, नसीब वालों को ऐसे रिश्ते मिलते हैं। माशाल्लाह से पढ़ी लिखी भी है, खूबसूरत भी है, सीरत की भी अच्छी है। इसका कहना है कि दोस्तों, मेरे होने वाले शोर के 50 साल से ज़्यादा ना हो तो वही जो है रब्ता कर सकता है। अगर आपकी एज 50 साल से ज़्यादा नहीं है तो आप रब्ता कर सकते हैं। सुपर डेली न्यूज़ चैनल पे कमेंट्स के ज़रिए आप रब्ता करें, और सिर्फ अपना रोल नंबर अपना फ़ोन नंबर ना लिखा करें, बल्कि अपना बायोडाटा जो है बिल्कुल सच्चाई के साथ लिखा करें और डिटेल के साथ लिखा करें। दोस्तों, मैं हर वीडियो में तकरीबन आपके भले के लिए ही कहती हूँ कि अगर आप रिश्ता करने में सीरियस हैं तो प्लीज़ अपना मेरा वक्त ज़ाया ना करें, और अपना बायोडाटा जो है बिल्कुल सच्चाई के साथ लिखा करें अगर आप रिश्ता करने में सीरियस हैं तो। कुछ मेरे भाई जो हैं दोस्तों सिर्फ और सिर्फ अपना नंबर लिख देते हैं या तस्वीर सेंड कर देते हैं और कहते हैं कि कॉन्टैक्ट मी, तो दोस्तों ऐसे रिश्ते नहीं होते। प्लीज़ आप मेरा और अपना वक्त ज़ाया ना कीजिए। अगर आप रिश्ता करने में सीरियस हैं तो मेरी बात पर अमल किया करें, अपना बायोडाटा जो है बिल्कुल तफसील के साथ लिखा करें। अच्छा, तो दोस्तों अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना तो हरगिज़ ना भूलिएगा। टेक केयर।